सोलन जिला के बड़ोक टनल के समीप कलोल गांव के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत व एक व्यक्ति घायल है। वह तीसरा व्यक्ति सही सलामत है। घायल 19 वर्षीय अंकू को 108 की मदद से IGMC शिमला रेफर किया गया है। वहीं 28 वर्षीय आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया। हादसे में घायल व मृतक सहित जो व्यक्ति ठीक है वह किन्नौर जिला के निचार के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तड़के 3 बजे के करीब यह हादसा हुआ व जिसमें उन्होंने पाया कि HP 26A 2996 बोलेरो गाड़ी उनके घर के समीप आ गिरी, जिसके अगले टायर के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था तो वहीं दूसरा चील के पेड़ के नीचे पड़ा था। ग्रामीणों ने उनकी मदद की लेकिन एक व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ चुका था। ग्रामीणों ने बताया, ये सुरंग के बिल्कुल साथ आगे मोड़ पे जाके हादसा हुआ जी, हमारे घर के बिल्कुल ऊपर जी। रात को कोई 3 बजे के करीब इतने जोर से धमाका हुआ, गाड़ी बिल्कुल नीचे आ गई और जी पूरी तरह से वो हो गई जी, खराब हो गई गाड़ी। और मतलब कि जैसे मोड़ पे सीधी नीचे आई ना जी, हम सोए हुए थे और इतने जोर का धमाका हुआ कि घर का सीमेंट भी नीचे गिरा जी। और फिर हम ऊपर आए तो देखा हमने कि एक बंदा तो अगले टायरों के नीचे दबा पड़ा था और एक चील के पेड़ के नीचे दबा पड़ा था जी, दो बंदे। और एक बिल्कुल ठीक हो के थोड़ा चोटे तो उसको भी लगी थी जी, वो आवाज़ें लगा रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे को बचाओ जी। और उस बंदे को भी बोल रहा था कि भाई तू आंखें बंद मत करियो और नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा तेरे साथ, मैं अभी एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा हूँ। और हमने फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया और गाड़ी आई जी। फिर उसको हमने जो चील के नीचे दबा था बंदा, उसको मतलब 4-5 बंदों ने बच्चों ने इकट्ठे होके पहले तो चील को काटा जी आरी से और दराड़ से, फिर उसको निकाला जी और फिर उसको डबल बेड की कम्बल में ले गए जी, 108 में, और ऊपर पहुंचाया जी। वो तो पता नहीं जी सोलन हॉस्पिटल को ले गए थे उसको तो, बाकी जो दबा पड़ा था वो तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी जी। हाँ जी, बाद में वो जो उन्होंने फिर पुलिस आई जी, उन्होंने उसको निकाला उसके नीचे से बहुत मुश्किल से, जब्बल वगैरह से चक्के कोई 15-20 बंदे इकट्ठे होके फिर थोड़ी सी उठाया जी उसको, फिर खींच के निकाला जी बाहर, देखा तो वो तो मृत पड़ा था जी। यहाँ सा रात को 3 बजे हुआ जी, हम अंदर घर के अंदर थे और बहुत ज़ोर से इस धमाका हुआ और हमने बाहर आके देखा कि गाड़ी बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गई है जी, और बंदों को हमने यहाँ से निकाल के एम्बुलेंस को बुलाया और पुलिस भी आई और बंदों को यहाँ से निकाल के हमने ऊपर सड़क में पहुँचाया, जिसमें एक को हम अपने साथ ले गए ऊपर, और एक तो गाड़ी के टायर के नीचे दबा हुआ था उसको तो अभी पुलिस वाले आए उन्होंने निकाला यहाँ से ना जी, और हॉस्पिटल पहुँचाया एम्बुलेंस में।